calculations of radius of hydrogenated based on the Bohr's model. This is basically the application of the Bohr's model. ठीक है, Bohr's model जो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा, ये आप लोगों का प्रीवियस क्लास में आप लोग इसको पढ़ चुके थे. ठीक है, अब यहां पे हम डिटेल के साथ इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि बोर्ड्स मॉडल को हम किस तरह यूज कर सकते हैं रेडियस मालूम करने के लिए और एनर्जी मालूम करने के लिए किस तरह हम इसको यूज करेंगे. सिमिलरली वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर ऑफ रेडिएशंस, स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि एमिट होती हैं किसी एटम से. ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें जो है ये बोर्स मॉडल के जरिए हम किस तरह फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस के लिए कंसीडर दिस इज एन एटम. ठीक है, दरमियान में न्यूक्लियस है आपका और ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है. जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा उसको हम जेड ई से रिप्रेजेंट कर देंगे. जेड ऑब्वियसली डिनोट्स द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर है. सही है, सो अगर हाइड्रोजन है तो जेड वन के बराबर है तो ई ये भी आ जाएगा आपके पास. ठीक है, न्यूक्लियस से यहां तक जो आपके पास डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली रेडियस. इस रेडियस को हमने फाइंड करना है कि रेडियस क्या होगा. ठीक है, और आपके पास जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है. अब अगर आप देखें, सो देयर आर टू डिफरेंट चार्जेस, वन इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड अनदर इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जब आपके पास दो चार्ज बॉडीज करीब आ जाती है, सो यू हैव स्टडीड अ लॉ कॉल्ड एज कूलम्स लॉ. According to Coulomb's law, जब आपके पास दो charges होती है, so the force of attraction or repulsion between those charges is directly proportional to the square of the distance between the charges and inversely proportional to what? उल्टा पढ़ो, directly proportional to the product of the charges. चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन, ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा एंड द फोर्स विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. यानी जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2. लेट्स से Q1 इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यहां पे Q2 इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दिस विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो कलेक्टिवली हम इसको लिख सकते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू Q1 जो है यहां पे जेड ई के बराबर है, दूसरा Q2 ई के बराबर है. सही है, और आर स्क्वायर रेडियस. ठीक है, यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यहां पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के रूप में इंट्रोड्यूस कर लिया. ठीक है, जो ई नॉट है दिस इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻¹² कूलम्ब स्क्वायर पर जोल पर मीटर, 8.85 × 10⁻²⁻¹² स्क्वायर. क्या है यूनिट, क्या है कूलम्ब स्क्वायर पर जोल पर मीटर है, कूलम्ब स्क्वायर पर जोल पर मीटर. दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, नाउ अब कूलम्बिक फोर्स जो है इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स क्या है, ये एक सेंट्रिपिटल फोर्स है बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. सर्कुलर पाथ में जो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. तो कूलम्बिक फोर्स इज ऑलमोस्ट सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स जहां भी होगा उसको काउंटर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाजमी होगा. सो इन ऑर्डर फॉर द सर्कुलर
मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन को जारी रखने के लिए देयर मस्ट बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है देन द इलेक्ट्रॉन मस्ट फेल इनटू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे जो है दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, तो एक हमारे पास कोलंबिक फोर्स हो गया जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर. जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो तब आपके पास क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा. तो दोनों फोर्सेस हमारे पास बैलेंस होने चाहिए. ठीक है, तो जब दोनों फोर्सेस बैलेंस है इसका मतलब है कि जो एफ कोलंबिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू एफ सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जो कोलंबिक फोर्स है वो किस चीज के बराबर है, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. ठीक है, यहां तक समझ गए, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी. यहां तक अगर कोई भी पॉइंट है जहन में तो बता दें, शाबाश आगे चलते हैं फिर जी. है कुछ नहीं है, राइट. सो आप देखें इसमें अगर कोई चीज कैंसिल हो सकती है तो उसको कैंसिल कर दें. यहां पे नीचे r गिवन है, यहां पे r स्क्वायर है, तो स्क्वायर r के साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो मतलब इसको भी अगर आप r से मल्टीप्लाई करें इसको भी r से मल्टीप्लाई करें तो ये आप खत्म हो जाएगा, यहां पे सिंगल r रह जाएगा. ठीक है, अब दो तरह से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, या तो आप यू करें क्योंकि हमने रेडियस मालूम करना है तो इससे रेडियस को एक साइड पे करें बाकी चीजें दूसरे साइड पे करें, या इसमें दूसरा आप ये कर सकते हैं कि वेरिएबल को निकालें, वेरिएबल को निकालें बाकी चीजें जो है अलग अलग कर दें. सही है, सो इसमें रेडियस को हमने मालूम करना है, दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल यहां पे मौजूद है वो वेलोसिटी है, वी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वी को यहां से निकालते हैं किसी तरीके से. ठीक है, तो v को अगर हम u ऐसे छोड़ दें v स्क्वायर और ये अब m को रीअरेंज करके हम इधर ले आए तो किस तरह हो जाएगा, z स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m और m. ठीक है, या हम यू लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m. ये आपके पास आ गया v स्क्वायर. ठीक है, नाउ फ्रॉम बोर्स मॉडल हमने एक पॉइंट पढ़ा था एम वी आर जो है एंगुलर मोमेंटम वाला, वो किस चीज के बराबर था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज के बराबर है, एन एच बाई 2 पाई. ठीक है, या अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लू तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4 आता है पाई स्क्वेयर. ये हो गया, हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो v स्क्वायर में इधर 4 पाई स्क्वायर ये m और ये r ये इधर हम ले आएंगे. ठीक है, m स्क्वायर और r स्क्वायर. ठीक हो गया, ये हमारे पास v स्क्वायर के लिए वैल्यू है. तो अब हम यू कर लेंगे कि जो v स्क्वायर की वैल्यू है ये यहां से उठा के कहां पे पुट कर लेंगे, इधर v स्क्वायर है ना, तो इस v स्क्वायर की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m व्हिच इज इक्वल टू दिस n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. अब आप दोबारा देखें यहां पे अगर कोई चीज कैंसिल हो सकती है तो उसको कैंसिल कर दें हम, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल क्योंकि वहां पे 2 पाई है, पाई मल्टीप्लाई में पाई. ठीक है, अब यहां पे m है यहां पे ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे जो r है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई चीज है कैंसिल होने वाली नहीं है. ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, दोबारा लिखें z स्क्वायर यहां से एप्सिलॉन नॉट बाकी कोई चीज नहीं है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और यहां पे पाई है एम है और आर. ठीक है, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए हमें, तो यहां पे आर को अलग
अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ये इधर ले आऊंगा, ठीक है, और ये जो पाई एम है ये इधर आ जाएगा, वन ओवर आर उधर रह जाएगा, ठीक है। तो ये वन ओवर आर इधर रह गया, सही है, और यहां पे हमारे पास जेड स्क्वायर है पाई एम पाई एम माइनस नहीं, ये डिवीजन में इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। तो पाई एम हो गया, और यहां पे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई चीज रह तो नहीं गया, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन जो है हमें वन ओवर आर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इसको, ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे। सो जब हम इसको इन्वर्ट कर दें तो वन ओवर आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट जो है ये ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, जेड स्क्वायर पाई एम, ठीक है। ये आपके पास रेडियस के लिए इक्वेशन बन गया। अब इसमें जो चीजें कांस्टेंट है उनको सेपरेट कर ले, तो आर इसमें आपके पास क्या है, देखें एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, जेड इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए हम वन लेंगे, ई जो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पाई 3.14, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम क्या कर देंगे, ये कांस्टेंट हम इधर ले आएंगे, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये सारी कांस्टेंट हो गई, ठीक है, और हमारे पास रह जाएगा एन स्क्वायर, ठीक हो गया। पर हाइड्रोजन अगर हम स्पेसिफिकली करें तो देन जेड इज इक्वल टू वन, तो जेड वन पुट करें, बाकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू पुट करें, ये सारी वैल्यूज पुट करें, आपके पास आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेडियस। हाइड्रोजन के लिए आप ये वैल्यू पुट करेंगे, हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई चीज है तो जेड की जगह पे वो पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सही है ना। अगर फॉर एग्जांपल हीलियम है आपके पास तो इस वैल्यू को 2 के डिवाइड करें, लिथियम है तो इस वैल्यू को 3 के डिवाइड करें, जेड डिनोमिनेटर में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले रेडियस का पहले ऑर्बिट का अगर आपने रेडियस मालूम करना है तो देन आर 1.529 मल्टीप्लाई बाय एन की जगह पे 1 पुट कर दें, पहला रेडियस है यानी पहले शेल का रेडियस है, तो इसको इसमें जरब दे दें, 0.529 एंगस्ट्रम आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रम यू नो 10^-10 मीटर के बराबर होता है, सही है। अगर सेकेंड शेल का आपने ऑर्बिट क्या रेडियस मालूम करना है, देन आर 2.529 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, एन स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो भी आता है एक्स वाई जेड व्हाटएवर, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड है तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करें, अगर फोर्थ है तो 16 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और एक्स्ट्रा में आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस, ठीक है। दोबारा एक दफा देख लें, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का आपस में जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो बेसिकली z स्क्वायर 4π0r² के बराबर होगा, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो m स्क्वायर / r के बराबर है, राइट। दोनों चूंकि बैलेंस होते हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, दैट्स व्हाई दोनों को हमने एक बराबर ले लिया, ठीक है। तो ये कूलम्बिक फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इसमें जो चीजें कैंसिल हो सकती है, r को हमने स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहां से r खत्म हो गया, v को हमने सेपरेट कर दिया, m इधर हम ले आए, और जो हमारे पास बाकी कुछ नहीं, r कैंसिल हो गए, तो v हमारे पास रह गया, तो ये v के लिए इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब v स्क्वायर को मालूम करने के लिए हमने बोर्स मॉडल का सहारा लिया, बोर्स मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू n / 2 पाई, इसका हमने स्क्वेयरिंग कर ली बोथ साइड की, सो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर / 4 पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। m स्क्वायर r स्क्वायर बोथ साइड पे हम लेके चले गए, हमारे पास v स्क्वायर आ गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये v स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमने यहां पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन गया, ये v स्क्वायर की ये वैल्यू थी और ये वैल्यू यहां से हमने
ठीक है। तो इसमें जो चीजें कैंसिल हो सकती थी वो हमने कैंसिल कर दी, बाकी रीअरेंजमेंट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, 1 ओवर r के लिए इसका हमने इन्वर्जन करके इन्वर्ट करके इसको इस फॉर्म में हम ले आए। ठीक है, इससे जो कांस्टेंट चीजें थी वो अलग कर दी, और जो इसमें वेरिएबल था n, ओके 1 2 3 4 5 व्हाटएवर द r इट इज, वो इसके बराबर होगा। सही, इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 0.52 nanogram के बराबर है, और n आपके पास 1 है अगर तो ये वैल्यू आएगी, 2 है अगर तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 है तो 9 से मल्टीप्लाई करें, सो ऑन। ठीक है, सो दैट्स द रेडियस ऑफ द n ऑर्बिट।